ये क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपने इन ऐठन भरे घुटनों की मालिश करानी है तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूँ। ये है अमृता और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ती देख ससुर प्रेमचंद वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या, घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी, आपको तो पता ही है ना, आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या, एंजॉय योर मालिश टाइम माँ जी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौट कर घर आते हैं, तभी कमरे में, अमो अमो सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना, वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहन कर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्त है, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियां दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है, मैं वहां डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत, तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है, टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी की अलमारी की सफाई करना, इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपये, और माँ जी के लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान, जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई। महादेव,
तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूँ जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है। मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ। मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेक है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ, आपके चरणों को धोते बैठूँ और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूँ। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है, 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसी में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्तें भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी। अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाती ही वो वो वो, वो क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत, कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली, इसलिए उसे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी, और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब, वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूँ जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली, फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज, तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है।
जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6-7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहाँ एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना? सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान है कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6-7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकाल कर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है, उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी। हाय मिस डियर, पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या, हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी पूरी बात तो सुनिए। हाँ ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है, अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए। ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की झप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं।